हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव शाह है और आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट और एक नया क्राफ्ट लाया हूँ। इसका नाम वुडन मोबाइल स्टैंड है। इस स्टैंड को मैंने पूरा घर पर ही बनाया है। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ऑनलाइन इसे किसी मोबाइल स्टैंड को परचेस करने जाएंगे तो यह पूरा आपको 600 से 700 रुपये में पड़ेगा। मैंने इस स्टैंड को पूरा घर पर ही बनाया है और यह मैंने वेस्ट जो लकड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहती है उसमें से मैंने इसको बनाया है। मैंने इसको कैसे बनाया है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर मोबाइल रख के भी दिखाता हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर मैंने फोन लिया है। उस फोन को हम इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो रबर बैंड लिए है। उस रबर बैंड को हम इस पर जो है आप जो है स्क्रू देख रहे हैं उस पर हम इस रबर बैंड को इस तरह से रख देंगे ताकि आप जो है मोबाइल देख रहे हैं ये आप मोबाइल जो है वो अब यहाँ पर फिट हो गया है। अभी आपको लगेगा कि मोबाइल गिर जाएगा तो उसकी भी कोई बात नहीं है क्योंकि ये मोबाइल जो है वो गिरेगा नहीं। ताकि हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो तीन स्क्रू है यहाँ पर हमने उसको ये जो आप तीन स्क्रू जो देख रहे हैं हमने उस तीन स्क्रू के उसको तीन साइड से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो यह जो मोबाइल है वो गिरेगा नहीं। और आपको लगेगा कि यह जो रबर बैंड है वो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा तो उसकी भी कोई बात नहीं आती है। ताकि अब हमें इस मोबाइल को तो इसे हिलाना नहीं है ताकि ये रबर बैंड ब्रेक हो सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मोबाइल स्टैंड के बारे में बताया था, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर मैं उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का स्टैंड लिया है। आप देख सकते हैं उस स्टैंड के नीचे मैंने एक होल किया है। उस होल के अंदर मैंने एक स्क्रू डाला है। उस स्क्रू को यहाँ से बाहर निकलते ही मैंने यहाँ जो आप पट्टी देख रहा है ये लकड़े की जो स्टिक देख रहे हैं उसको मैंने इस स्क्रू के अंदर डाल दिया है और इंस्टेंट ग्लू के साथ इस पट्टी को चिपका दिया है ताकि उसकी मजबूती जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। अब आप जो दूसरी वाली जो स्टिक देख रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 21 इंच की है और यह जो है पहली स्टिक है उसकी जो लेंथ है वो 28 इंच की है। यह जो दूसरी स्टिक है वो पहली स्टिक की 3/4 साइज की स्टिक लेना चाहिए ताकि उसकी जो है बैलेंस है वो अच्छी तरह से बना रहे। अब हमें इसका मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पर जो आप यह जो होल देख रहे हैं यहाँ पर यह पहला वाला होल है, यह दूसरा होल है और यहाँ पर हमने तीसरा होल किया। हमने यहाँ पर तीन होल किए है। उन तीनों होल में हम यहाँ पर आप जो है तीन स्क्रू देख रहे है, हम इस तीनों स्क्रू को इस होल में लगा देंगे। पहला वाला स्क्रू लग के रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारे जो दो स्क्रू है वो लग के रेडी हो चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा स्क्रू है हम इसको यहां पर लगाते हैं तो लगाएंगे तो जैसे ही ये स्क्रू लग के रेडी हो चुका है तो हमारा जो मोबाइल का स्टैंड है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर मोबाइल आसानी से रख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो होल किया था वो एकदम सेंटर में नहीं, मैंने थोड़ा साइड में किया था। तो उसका कारण यह है कि हम जैसे ही स्टिक को इस साइड इस तरह से झुकाएंगे तो ये स्टिक का जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से बना रहे। इसलिए जिस साइड हमें स्टिक झुकानी होगी उसके ऑपोजिट साइड में हमें यहाँ पर होल करना होगा। तो चलिए अब हम इस स्टिक के साथ यह जो आप बड़ा वाला स्क्रू देख रहे हैं उससे हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर आप जो वाइसर देख रहे हैं हम इस वाइसर को इस स्क्रू के साथ इस तरह से लगा देंगे। बाद में आप जो स्टिक देख रहे हैं उसमें हमें होल किया है। आप जो होल देख रहे हैं उस होल के आर पार हमें आप जो स्क्रू देख रहे हैं उस स्क्रू को हम इस तरह से लगा देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर से हमारा जो वाइस हमारा जो स्क्रू था वो यहाँ से बाहर निकल गया है। तो आप जो दूसरा वाला वाइसर देख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब थोड़ा और टाइट करेंगे। अब आप जो ये स्टिक देख रहे हैं हम इस स्टिक को इस स्क्रू के अंदर इस तरह से डालेंगे। फिर आप जो ये वाला स्क्रू देख रहे हैं उसको हम इस तरह से टाइट करेंगे। जैसे ही यहाँ से स्क्रू बाहर निकलेगा तो हम आप जो तीसरा वाइसर देख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लगा देंगे।
बाद में इसको और टाइट करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा जो स्क्रू है वो लग के रेडी हो चुका है। तो अब आप जो ये वाला स्क्रू देख रहे हैं, हम इसको इसमें इस तरह से लगाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा जो मोबाइल का वुडन मोबाइल स्टैंड है वो रेडी हो चुका है, पर अभी भी ये स्टिक जो है वो इस तरह से झुकी जा रही है। उसको इससे बचाने के लिए यहाँ पर हम एक इस तरह का पकड़ लेंगे, उसको हम इस स्क्रू के अंदर इस तरह से डालकर इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। देख रहे हैं ये टाइट हो गया है। तब आप जो देख रहे हैं कि ये जो स्टैंड है वो इस तरह से हमारा जो स्टैंड है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आप जो ये दो रबर बैंड देख रहे हैं, उस हम दो रबर बैंड को यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं ताकि हम जब भी मोबाइल इस पर रखें तो हमारा जो मोबाइल है उसको हम इस रबर बैंड के साथ अटैच कर सके। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो ये मोबाइल स्टैंड का क्राफ्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। यह पूरा होममेड है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं एक टाटा स्काई की मोबाइल ऐप से एक दंगल पर जो है सीरियल आ रही है, मैं वो सीरियल भी देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल मिस्टर क्रिएटिव को सब्सक्राइब करें। तो अब आप 3-4 लोग हो और आपके पास मोबाइल सिर्फ एक ही हो तो ऐसे मोबाइल स्टैंड का आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इस पर मोबाइल इस तरह से फिट करके आप इसमें कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप इसमें फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है तो आप इसके साथ ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर दीजिए, इसकी जो है वॉइस की क्लियरिटी है वो बढ़िया आ जाएगी। अगर आपके पास कोई बड़ा मोबाइल या टेबलेट हो तो आप इसमें उसको रख सकते हैं। इस स्टैंड में कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ छोटा मोबाइल इसमें रख सकते हैं, इसमें बड़ा मोबाइल भी आप रख सकते हैं। इसको वर्टिकल रखना ही कंपलसरी नहीं है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल मिस्टर क्रिएटिव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।